राजस्थान के 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। इनमें 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जयपुर में गुरुवार देर रात हुई बारिश का दौर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तक जारी रहा। इस दौरान कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात हो रही। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 175.5 में बारिश हो चुकी है, जो सामान्य बारिश से 3% कम है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक सामान्य बारिश 180.8 में होती है। जिलेवार देखें तो दौसा जिले में सर्वाधिक बारिश 387 mm हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात बांसवाड़ा के केसरपुरा में 152 mm दर्ज हुई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 111, सलोपत में 132, दानपुर में 75, भीलवाड़ा के बिजौलिया में 74, बूंदी के नैनवा में 119, झालावाड़ के डग में 60, गंगधर में 70, झुंझुनू की मछलीसर में 49, नवलगढ़ में 51, कोटा के कानावास में 129, लाटपुर में 79, चेचत में 64 और सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 96 mm बरसात दर्ज हुई। इनके अलावा टोंक, जयपुर, सीकर, नागौर, करौली, दौसा, चुरू, बीकानेर, बारा, अजमेर सहित कई जिलों में 1 से 2 इंच तक बरसात दर्ज हुई। प्रदेश में शुरू हुए तेज बारिश के दौर ने गर्मी और उमस से लोगों को राहत दिलाई। कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 29.6, कोटा में 29.3, बारा में 29.9, डूंगरपुर में 29.7 और सिरोही में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में 32.9, उदयपुर में 31.6, अजमेर में 31.4, सीकर, चित्तौड़गढ़ में 33 और अलवर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मॉनसून ट्रफ लाइन श्रीगंगानगर और जयपुर से होकर गुजर रही। सिस्टम के प्रभाव से बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आज मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कुछ भागों में अगले 4 से 5 दिन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।